मानसून आते ही पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण देहरादून की रिसपना और बिंदाल नदी कभी भी उफान पर आ सकती है। ऐसे में नदियों के आसपास लोगों को जिला प्रशासन और नगर निगम शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, ताकि नदी में उफान आने पर लोगों की जान और माल की सुरक्षा हो सके। वहीं हर साल मानसून में नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम अलर्ट करती है। अगर नदियों में उफान आ जाए तो उनको शिफ्ट करने का काम भी किया जाता है। देहरादून शहर के बीच से निकलने वाली रिसपना और बिंदाल नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में कच्चे और पक्के मकान बनाकर लोग रहते हैं। वहीं नदियां उफान पर आने से लोगों को नुकसान होता है। इस बार नदियों के आसपास रहने वालों को जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए नगर निगम ने यहाँ रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही लगातार बारिश होने पर लोगों को शिफ्ट करने की व्यवस्था भी की गई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पास 5 रैन बसेरा उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग 500 लोगों को हम शिफ्ट कर सकने की स्थिति में है। यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इमीडिएटली उन लोगों को मूव करवा दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग, जैसे हमको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, तो ऐसे लो लाइंग एरियाज़ में अनाउंसमेंट्स इत्यादि भी करवा दिए जाते हैं कि लोग कई बार स्वतः जो है अपनी सुविधा से अपनी व्यवस्था के अनुसार भी मूव करना प्रीफर करते हैं।